मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बजट सत्र के पांचवें दिन स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विधानसभा के प्रमुख सचिव को विशेष अधिकार हनन की सूचना दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक कर मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं सदन में स्पीकर से पूछ रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराएंगे। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री ने नियम संचालन पुस्तिका मेरी ओर जोर से फेंक कर मारी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि हम संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध अवमानना प्रस्ताव लाएंगे। इस प्रकार के मंत्री को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने किताब नहीं मारी, मैं चपरासी को हटा रहा था। वहीं कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो अविश्वास हम अध्यक्ष पर लाएंगे, क्योंकि अगर इनसे न्याय नहीं मिल रहा, ये अपने शपथ के विरोध चल रहे हैं, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर किया है।